एसकेबीएम इंटर कॉलेज के सभी काम सभी कॉमर्स स्टूडेंट का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केंद्रीय बैंक द्वारा शाख नियंत्रण की विधियां जो है बताने जा रहा हूं। इसकी दो विधियां हैं, शाख नियंत्रण की दो विधियां हैं। एक है संख्यात्मक विधियां और दूसरा है गुणात्मक विधियां। ये शाख नियंत्रण जो है ये महत्वपूर्ण कार्य है केंद्रीय बैंक का। इससे देश की अर्थव्यवस्था जो है इससे स्थिर रखा जाता है। ये केंद्रीय बैंक जो है करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शाख नियंत्रण। तो दो विधियों से शाख नियंत्रण केंद्रीय बैंक करती है, एक है संख्यात्मक विधियां, दूसरा है गुणात्मक विधियां। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। पहला है संख्यात्मक विधियां, इसमें चार है, चार विधियों से जो है शाख को शाख का नियंत्रण किया जा सकता है। पहला है बैंक दर, दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा है नकद कोषानुपात और चौथा है तरल कोषानुपात। ये जो है ये चार जो है ये है उसमें संख्यात्मक विधियों में। तो पहला है बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने व्यापारिक बैंकों को उधार या ऋण देती है, उसे बैंक दर कहते हैं। सभी बैंकों का जो है अंतिम ऋणदाता होता है केंद्रीय बैंक। जब कहीं से उनको ऋण नहीं मिलता है तो वो केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। तो जब केंद्रीय बैंक ये देखती है कि शाख का जो है प्रसार हो रहा है, बाजार में शाख का प्रसार हो रहा है, शाख उसको रोकना है, तो अपना बैंक दर जो है बढ़ा देती है। तो जब बैंक दर बढ़ा देती है, शाख को जब रोकना होता है, शाख का जब संकुचन करना होता है, तो बैंक दर बढ़ा देती है अपना, जिससे व्यापारिक बैंकों को महंगा ऋण मिलता है और व्यापारिक बैंक भी अपना ऋण देने की जो है दर जो है वो भी जो है वो बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत अगर केंद्रीय बैंक को शाख का प्रसार करना है, मार्केट में मुद्रा बढ़ाना है, तो बैंक दर सस्ता कर देती है, बैंक दर कम कर देती है। उसके बाद है दूसरा, यह है कि खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं का यह है, इसका अर्थ यह है कि बिलों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, यह है खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ होता है। बिलों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना होता है। जब केंद्रीय बैंक जो है शाख को रोकना चाहती है, जब शाख को रोकना चाहती है, तो वो सरकारी प्रतिभूतियों को जो है बेचना शुरू कर दी, विक्रय करने लगेगी। जब शाख को जो है रोकना होता है, नियंत्रण करना होता है, तो केंद्रीय बैंक जो है प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देती है, सरकारी प्रतिभूतियों को, और उन प्रतिभूतियों को ये बैंक जो है खरीदते हैं, क्रय करते हैं, उसके बदले में जो है धन जो है केंद्रीय बैंक को, रिजर्व बैंक को देते हैं। यानी जब शाख का जो है संकुचन करना होता है, रोकना होता है, तो प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देगी। और इसके विपरीत जब शाख का प्रसार करना होता है, जब केंद्रीय बैंक जब शाख का प्रसार करना चाहेगी, तो वो प्रतिभूतियों को क्रय खरीदना शुरू कर देगी, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर देगी, जिससे बैंकों को जो है धन मिलेगा, बैंकों की जमाओं में वृद्धि हो जाएगा, लोन देने की ऋण देने की क्षमता व्यापारिक बैंक का बढ़ जाता है। ये दूसरा है काम। तीसरा है CRR, यानी
कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोषानुपात। सभी व्यापारिक बैंकों को यह अनिवार्य है कि अपनी जमाओं का, कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत नकद रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। कुल जमा का कुछ प्रतिशत जो है वहां रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास, क्योंकि बैंकों का बैंक है वो। रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक होता है। तो जब जो है साख को जो है प्रसार करना चाहती है, जब केंद्रीय बैंक जो है बाजार में साख का प्रसार करना चाहती है, तो सीआरआर को कम कर देगी, सीआरआर को कम कर देती है, तो व्यापारिक बैंकों का लोन देने की जो है क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब साख का संकुचन करना होता है, साख को कम करना होता है, तो सीआरआर बढ़ा देगी, जिससे बैंकों का जो है, व्यापारिक बैंकों का लोन देने की क्षमता जो है कम हो जाती है। तीसरा है तरल कोषानुपात, इसको कहते हैं SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, तरल कोषानुपात। इसमें यह है कि जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, उनको अपनी कुल संपत्ति का कुछ भाग तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है। ये जो है 25% है, तो इसमें भी जो है परिवर्तन करके, SLR में परिवर्तन करके जो है साख को जो है बढ़ाया जा सकता है, साख को कम किया जा सकता है। जब केंद्रीय बैंक साख का प्रसार करना चाहती है, तो SLR को कम कर देती है, और जब साख का संकुचन करना चाहती है, तो SLR को बढ़ा देगी। ये चार काम है संख्यात्मक विधियां में, साख नियंत्रण की संख्यात्मक विधियां में, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR यानी नकद कोषानुपात, और वो है तरल कोषानुपात, चौथा है SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये चार है संख्यात्मक में। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं गुणात्मक विधियां। गुणात्मक विधियां में पांच है। एक है पहला चयनात्मक साख नियंत्रण, एक है चयनात्मक साख नियंत्रण, दूसरा है नैतिक दबाव, फिर है आपका प्रचार, फिर ये है प्रत्यक्ष कार्यवाही, और एक है साख का राशनिंग। ये पांच हैं गुणात्मक विधियां में। तो पहला ये है कि चयनात्मक साख नियंत्रण, इसमें क्या है, ये कभी कभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी देश का जो केंद्रीय बैंक है, वो कुछ क्षेत्रों को जो है, कुछ क्षेत्रों को कम ब्याज पर जो है वो ऋण देना शुरू कर देती है, और कुछ क्षेत्रों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण देती। जैसे मान लीजिए कृषि है, कृषि के लिए या निर्यात के लिए जो है ये सस्ते दरों पर जो है ऋण देना शुरू कर देती है। कभी कभी जो है, कभी कभी रिजर्व बैंक जो है किसी बैंक का जो है, किसी बैंक के जमा धन में रियायत देती है। यह है चयनात्मक साख नियंत्रण। दूसरा आपका है साख का राशनिंग। साख का राशनिंग में यह है कि इसमें साख की जो है सीमा तय कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंकों को के साख की सीमा निर्धारित कर देती है, ये निर्देश दे देती है कि इससे ज्यादा जो है लोन नहीं दिया जाएगा, इससे ज्यादा ऋण नहीं दिया जाएगा। यह है साख का राशनिंग, इससे भी साख का जो है नियंत्रण किया जाता है। तीसरा है नैतिक दबाव। कभी कभी जो है केंद्रीय बैंक जो है समय समय पर सम्मेलन कराती रहती है, सुझाव देती रहती है अपने व्यापारिक बैंकों को साख नियंत्रण करने के लिए। ये तीसरा काम है। चौथा यह है कि प्रचार प्रसार।
कभी कभी केंद्रीय बैंक जो है पत्रिकाओं में अखबारों में प्रचार करके अखबारों में प्रचार प्रसार करके साख का नियंत्रण करके, ये चौथा काम है। पांचवा है प्रत्यक्ष कार्रवाई। जो भी व्यापारिक बैंक जो है कभी कभी जब कोई बात या कोई नियम मानने से जो है इनकार कर देता है तो उसके खिलाफ जो है उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई करती है, इससे भी साख का नियंत्रण होता है। तो ये जो है गुणात्मक विधियों में जो है पांच है, चयनात्मक साख नियंत्रण, साख का राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रचार और प्रत्यक्ष कार्रवाई।